तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज के 72वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की। भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन इसके आजादी की लड़ाई 150 साल से भी ज्यादा लंबी है। बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो गया, पर फिर भी अगर हम कुछ मेन लीडर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मंगल पांडे का, जिनकी वजह से भारत की पहली फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो 1857 में हुआ था। उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, नाना साहेब, मान सिंह और कुंवर सिंह जैसे लोग थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत शुरू हुई, इसके बाद सबसे पहला मूवमेंट जो शुरू किया था वो किया था हमारे आदिवासी लोगों ने, जब ब्रिटिश हुकूमत ने जंगल में एंट्री पर बैन लगा दिए थे और रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे, जिसमें छुआर, भील, कोल, संतल जैसी कई सारी ट्राइब्स ने लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मुंडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद गांधी जी ने कुछ मास मूवमेंट शुरू किए जिसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन ये दोनों ही मूवमेंट फेल हो गए थे क्योंकि इनको रिवर्ट करना पड़ा। पर कुछ ऐसे मूवमेंट भी थे जो लोगों ने अकेले किए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अशफाकउल्लाह खान। ये वो लोग थे जो लोगों के सामने तो नहीं आए पर उन्होंने अपनी जान दी थी। पर एक नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो सारी टेक्टिक यूज करके आजादी हासिल करना चाहते। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर चुने गए थे, पर उनके और गांधी जी के विचारों में मतभेद होने की वजह से एक साल बाद उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और फिर वो निकल गए अपनी आजाद हिंद फौज की शुरुआत करने, जहां पर उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये वीडियो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारा उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने इस देश के लिए जान दी और हमें आजाद कराया। जय हिंद।